आ रहे आ रहे कोई ठिकाना नहीं टूट जाएगा मत करो। मैंने प्यार हर तुमसे किया है रो 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 आएंगे तुम मेरा बल्ला उठाए रखना। ही फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आपका स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ नेहा सिंह किचन लाइफस्टाइल पे। तो गाइस ये है ब्लॉग वृंदावन का। वृंदावन पार्ट वन मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है और ये है वृंदावन का पार्ट टू ब्लॉग। तो गाइस यहाँ अपने होटल में नहा धोवा के हम हो चुके हैं रेडी और हम चलते हैं अब दर्शन करने के लिए। तो अगला हम कौन सा मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ आपको बहुत जल्द पता चलेगा। इसके लिए आपको ब्लॉग में जुड़े रहना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है। तो ब्लॉग को फुल इन्जॉय करें और बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेस्ट ट्रिप रहा हमारा। अभी हम वृंदावन में ही है, अब जा रहे हैं आगे घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे और देखिए हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। पांच बंदा है ना। हाँ जा रही हूँ। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? सब पीछे हट के पड़े हैं। हम लोग चले घूमने के लिए। इधर देखो मिष्टी, बोलो हेलो, हाय हाय करो। तो यहाँ से हम ई रिक्शा ले रहे हैं और चलते हैं और मंदिर जो बाकी है हमने नहीं घूमा वो घूमने के लिए। बाकी लोग इधर हैं। और यहाँ पे सामने प्रेम मंदिर है जो हमने कल शाम में घूम लिया था। तो गाइस यहाँ प्रेम मंदिर के सामने ही हम खड़े हैं। अब यहाँ से हमारी बस का जो सामान था हमारा लगेज वगैरह बस में रख दिए, अब चले घूमने के लिए। अभी कौन सा मंदिर जा रहे हैं हम? ये हम प्लेन से जा रहे हैं। कौन से मंदिर जा रहे हैं? और कौन से मंदिर जा रहे हैं? हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। हाँ। ये हमारी फ्लाइट जो है सीधा वृंदावन को नहीं बाकी भी हरी पहुंचेगी। वैष्णो देवी मंदिर, देव की मंदिर है। क्या बोल रहे थे भैया? देव की मंदिर वहाँ से साथ लेके क्यों आए हैं? यही तो कल वहाँ बोल रही थी बाकी बिहारी मंदिर में बाल लेकर क्यों आई हो? और बच्चा देखो। हाँ तो बच्चा पार्टी को देखो। बच्चे पार्टी ठीक हो? ठीक है भैया, एसी चला दो जल्दी। विष्णु यहाँ लग लो विंडो विंडो कहाँ लेके जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं देव की नंदन जी और उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर, फिर बांके बिहारी जी मंदिर और ये फ्लाइट वापस यहीं पे लैंड करेगी। रमन रेती कदम का पेड़ 40 किलोमीटर आ गया है। रमन रेती है देखो, भगवान माटी में खेले थे। कदम का पेड़ है, कदम का पेड़ यानी है वो। भैया रमन रेती तो ले जाओगे? रमन रेती तो है राधे। तो गोकुल कहाँ है भैया? गोकुल अलग पड़ता है, गोकुल तो मथुरा साइड पड़ता है ना। मथुरा साइड पड़ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर। ये कौन सा मंदिर है आगे जो है? हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। हम यहाँ पहुँच गए, आप यहाँ दर्शन कराते जाएंगे। दर्शन कराते जाएंगे। नहीं थोड़ी चिंता भी खाई, थोड़ा सा खाई थी। अभी थोड़ा सा मैंने इसको चावल भी खाया। कंफ्यूज है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चावल नहीं फ्राई चावल आता है। हाँ पोहा जैसा जो होता है।
ही फैमिली। होटल से निकलने के बाद हम सीधे पहुंच गए हैं वृंदावन के वैष्णो माता मंदिर। तो आइए आपको वैष्णो माता जी का दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर बिल्कुल रोड पे ही बना हुआ है और जो वैष्णो माता जी का जो तस्वीर है, जो मूर्ति बना हुआ है, बहुत ऊंचे पे बना हुआ है, बहुत लंबा हाइट इसका दूर से भी नज़र आता है। तो आइए दर्शन कराते हैं। हेलो, सब जगह बिना प्रचार के चल ये लो, मेरा भी जमा करवा दो। गिली ये लो बाबा, मेरे भी जमा करवा दो। जुराब भी खोलना पड़ेगा। हाँ बेटा, खराब हो जाएगा। फुट गया, फुट गया। क्या कैसे लगा?
गिर गई ना, दांत रुक गया। चलो जाओ जल्दी जल्दी जाओ। चलो अंदर जाओ। चलो शरीर में भी आ रहे हैं भाई, कसम से बहुत पसीना आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता। तो गाइस यहाँ पर हम आए हैं खाना खाने के लिए। ये फैमिली माता वैष्णो जी का दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ से वापसी दिल्ली के लिए आ रहे हैं, क्योंकि और भी मंदिर बहुत सारा अभी वृंदावन में मथुरा में था, लेकिन पॉसिबल नहीं था जाना क्योंकि संडे का दिन था, भीड़ बहुत ज़्यादा था, बच्चे के साथ हम नहीं जा सकते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हमने सोचा कि दो तीन मंदिर का दर्शन हो गया, वापसी अब दिल्ली चलते हैं। तो गाइस हम बस में अब बैठ चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, और जैसे हम शाम में घर आए तो हमें न्यूज़ मिला कि एक 1.5 साल का बेबी का वहाँ पर डेथ हो गया, क्योंकि इतना बांके बिहारी मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ होता है,
प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि कभी भी आप बाकी बिहारी मंदिर जाए या वृंदावन के सफ़र जाए, अगर भीड़ भड़ाका हो तो प्लीज़ बच्चों लेके अंदर ना जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमें सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इसी कारण बच्चे के कारण ही हम वहाँ से आ गए थे, ज़्यादा मंदिर को दर्शन हमने नहीं किया। फिर जैसे हम दिल्ली आ रहे थे तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम रुके थे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो यहाँ पर झूले वगैरह लगा था तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खुश भी थे, तो यहाँ पर बच्चे अपना झूला वाला झूल रहे हैं। और उसके बाद हम चलते हैं फिर अंदर खाना खाने के लिए। और आपसे मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी, कभी भी आप जाए वृंदावन या मथुरा, कभी भी जाए सैटरडे संडे को हटा के जाए, क्योंकि सैटरडे संडे के बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप सैटरडे संडे को ना जाए। जब भी आपको जाना है तो आप खाली टाइम में जाए, छुट्टियों में तो बिल्कुल भी ना जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस यहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा सा हम भी अपना टाइम बिता रहे हैं और यहाँ पर हम भी बहुत ज़्यादा मस्ती की, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर झूला वगैरह हमने भी झूला और बच्चे ने भी झूला, तो खूब सारा इन्जॉय किए। और आगे ब्लॉग में जुड़े रहें और देखिए हमारा ये मस्ती भरा ब्लॉग, और भी आगे मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ स्किप ना करें, ब्लॉग को फुल इन्जॉय करें और बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आज एक बार स्वाति को भी आ जाओ, बस पर वापस आ गया, हमारा बस पर आ गया वापस, पता है खुद ही फिसल जाते हैं। कृष्णा गिरा, कृष्णा गिरा, मुझे लगा पीछे से विष्णु आ गया, मुझे लगा था कोई धक्का दे रहा है। यार ये छोटे बच्चे ना, यार पता तो किसने कर दिया, घुटना भी देख दिया नहीं, अरे आप यहाँ गई थी, वहाँ जाके गिर गई थी, उतर जा भाई, तू उतर जा भाई, तू उतर, इतना हल्की, मुझे लगा पीछे से विष्णु आया, मैंने कहा मैं गिरी, और मुझे विष्णु नहीं आया, मुझे ऐसा लगा। खेले दो खेले दो खेले दो, फिसलन जाके बहुत अच्छा है फिसलने वाला, जाएगी आराम से आराम से, चलो हो गया, मजा आया चिंटू, चिंटू एक बार दियो, बस हो गया, इतना सही था, एक बार इस पे आ जा, उतर से एक बार दियो, अब देखो कितने गरम झूले हैं, हम भरो एक बार, फिर जाकर देखो, हटियो बस उस जेब से निकलने वाला, चलो चिंटू आप चलो कुछ खाते पीते हैं, आंटी हट जाना, विष्णु गिर जाओगे, गिले रुक गिले रुक गिले रुक, अरे अरे भाई आ जा आ जा, सोने दो लो, गर्म बहुत है, आ जा आ जा, चलो कुछ कुछ चाय और पीते हैं, आप बच्चे हो, आपसे पूछा जा रहा है बच्चे हो कि बड़े हो, मेरे बोतल खा गए दूध की, अरे बोतल दो कोई लाके अंकल को, अरे अभी अभी उठाओ बल्ले जल्दी दे दो, बच्चे अंकल बोल रहे हैं आपको, आंटी दूध में मेरा आओ बंसल ओए इसे पकड़ो, आप खा मुझे वाला खेल लेते नहीं, धूप बहुत है बेटा चल जाओ, आज नहीं करूंगा, अंदर चलो इसे चलते हैं, आते तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, मंदिर घूमने के बाद यहाँ रुके हैं ढाबे पे, कुछ खाते पीते हैं, आते हैं दिल्ली के लिए, और एक जगह और स्टे करना है, देखते हैं कहाँ रुकते हैं, तो गाइस यहाँ पर खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि यहाँ से आगे हम कहाँ जा रहे हैं। घर का फ्राई किया हुआ चावल है दादी, ऐसा है लाइट कट गई, कृष्णा चुप हो गया, आइसक्रीम मिल गई, चुप हो गया, कैसा लग रहा है, ले आए
जल्दी लाओ क्या था उसे कोई ठिकाना नहीं टूट जाएगा और बड़ी चीज हो जाएगी तुम्हारी और क्या हो जाएगा सत्तर 30 किलो बढ़ा दिया 30 किलो हमारे बेटी का होता तो दो हो जाते उसमें से चलो चलो उसमें भी कर लो एक बार हाँ बहुत अच्छा यही तो देखना था मुझे पहला गाना तुम गाओ माँ से बताओ तो फिर ले तो हम डाल देंगे माँ से हाँ एक ही बात माँ ही हो गया मुँह माँ मुँह मी सब मुँह माया बताओ मैंने प्यार तुम्हें से किया है नहीं मैंने प्यार तुम्हें से किया है मैंने प्यार हरित से किया है किस पे आके अटका तुम दोनों घर बैठे हो नहीं रस गाना है रस रस गाओ रस है वो कितनी जगह राहो में उनसे मुलाकात हो गई राहो में उनसे मुलाकात हो लगन लग तुम से मन की लगन नौ से गाओ नौ से का मेरी धड़कन ने कहा ना नजरे मिली दिल धड़का मेरा नजरे मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा जैसे गाना तो बताओ जब वैसे नहीं होता भैया याद नहीं अपने टाइम I'm so glad.
सावरी रहा है। चल रसे गाओ, रसे गाओ जरा।
तो बताओ ढंग से मैं तो गाओ।
यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी गासे गाओ जिंदगी तक ये पानी रहे मेरी रहे जिंदगानी रहे मैया गंगा मैया यासे गाओ यासे गालू यार रुक जाओ ये गाएंगे तो यार की तरह
चलो आ जाओ आ जाओ। जल्दी जल्दी आओ, धूप लग रही है। मम्मी कुछ कर ले आज भी। अरे यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई उधर देखो। हे फैमिली, तो वृंदावन से हम दिल्ली आ चुके हैं। टाइम वही 4:30 करीब हो रहा था, तो यहाँ हम बस से आ गए हैं बाहर। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो ये हमारा मस्ती भरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, एक शेयर कर दे। अगर चैनल पे नए हो, फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके जाए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। कल मेरा एक और ब्लॉग आने वाला है, तो मिलते हैं एक और। बाय बाय।